ये अश्विन है और ये अपनी मदर के साथ और ब्रदर के साथ कापसेड़ा से आया है। कापसेड़ा काफी दूर है हाईकोर्ट से, और ये इसलिए आया है कि इसका एडमिशन आया था गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्मालका 2 में। और जब ये एडमिशन के लिए 4 दिन से वहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं तो प्रिंसिपल कह रहा है कि अकाउंट खोलो तब तुम्हारा एडमिशन होगा। और इसका जो है ना बैंक में अकाउंट नहीं खुल रहा है क्योंकि इसका जो हाथ है ये डिसेबल्ड है और ये अंगूठा लगा नहीं सकता है, तो इसलिए अकाउंट नहीं खुल रहा। अब इंटरेस्टिंग इश्यू ये है कि अगर किसी बच्चे का अकाउंट नहीं खुल रहा है तो क्या स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली सरकार का स्कूल उसको इनकार कर सकता है? बेटे क्या हुआ आपके साथ बताओ, आप स्कूल गए दाखिले के लिए, फिर जी सर, क्या हुआ? हम लोग गए दाखिले के लिए, फिर से वो बोले कि पहले अकाउंट खुला फिर हाँ होगा। जिससे हम लोग गए पोस्ट अकाउंट, ऑफिस पे हाँ अकाउंट खुला, तो लोग बोले कि इसका अकाउंट ठंडे वगैरह तो नहीं खुलेगा। फिर से हम लोग गए दोबारा स्कूल में, तब तो प्रिंसिपल ने फिर हम लोग घूम से ले आए। नहीं दिया दाखला आपको? नहीं, हाँ? नहीं दिया यही बात है और कुछ आपको जी, कहना है? यही बात है। यही बात है। हाँ? तो प्रिंसिपल ने क्या कहा, अकाउंट खोलो? जी बिल्कुल डाकखाने में गए, जी, बैंक भी गए थे? हाँ बैंक भी गए थे, वो बैंक ने भी नहीं खोला भी नहीं खोला। और डाखाने ने भी नहीं खोला क्योंकि इस नहीं, बच्चे का जो वो है, बोल रहे हाँ हैं आपका यहाँ अकाउंट नंबर रहेगा तो खुल सकता है, नहीं रहेगा तो नहीं खुल सकता है आपके साथ में। मेरा यहाँ अकाउंट नंबर नहीं है, गांव का है, तो वो लोग बोले नहीं हो अच्छा सकता, आपका भी नहीं है अकाउंट नंबर यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। तो मतलब इसका अकाउंट नहीं खुला तो दिल्ली सरकार के स्कूल ने दाखला नहीं दिया। ये तो बड़ा इनजस्टिस है, वेरी बैड। किस तरीके से बिहेव करते हैं बच्चों के साथ है? बिल्कुल टोटल पुश आउट पॉलिसी है। आई थिंक प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इतना इनसेंसिटिव प्रिंसिपल है जो बच्चे को एडमिशन मना कर रहा है बिना रियलाइज करे कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। पढ़ना चाहते हो ना, जी सर, क्यों आगे पढ़ना चाहते हो? बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए। वेरी गुड।